Hi friends, welcome back to my channel Sia Silk Studio. Today we will learn how to make this dupatta on organza silk fabric with silk paints. As I've already told you all that organza silk mein silk paints spread nahi hote hain, so we don't need gutta for this painting. We'll directly apply it on the fabric aur ye spread nahi hoga. We will make flamingo flowers or you may say anthurium flowers येलो कलर में बेस वाइट कलर का होगा और येलो कलर के फ्लावर्स होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो. ये मैंने पीवीसी जो कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आई विल मेक अ वीडियो दो आई डेंट गेट टाइम बट आप इसमें देख सकते हैं कि पीवीसी पाइप से मैंने ये फ्रेम बनाया है. लकड़ी का फ्रेम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, हैवी हो जाता है, सो मैंने ये DIY फ्रेम बनाया हुआ है. सो लेट्स बिगिन. ये मैंने येलो सिल्क पेन से फ्लेमिंगो फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ मैं. सो, ये क्या है कि स्प्रेड नहीं होता है, तो आप आराम से इसको जैसा भी पैटर्न आप बनाना चाहते हो बना सकते हो. सो आई एम ड्रॉइंग द बेसिक जो फ्लेमिंगो का बेस है, उसके बाद हम इसको शेड करेंगे एंड इसको हाईलाइट करेंगे एंड जो भी जैसे देख रहे हो आपकी ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, राइट. Now I am applying orange color for shading on these flamingo flowers. और मैं पहले क्या है अभी wet है क्योंकि base, तो उसमें मैं किनारे किनारे apply कर रही हूँ. उसके बाद I'll spread it to give the shaded look. Right? आप देख रहे हो जैसे मैंने apply किया किनारे and उसके बाद जल्दी जल्दी ताकि wet में ही क्योंकि spread हो पाएगा, otherwise फिर मुझे color और apply करना पड़ेगा yellow to make it blend अच्छे से करने के लिए.
आई हैव मेड दीज फ्लावर्स इन द पेयर ऑफ थ्री होल दुपट्टा में. मैंने ये सारे तीन तीन के ग्रुप में, मतलब तीन तीन के बंच में मैंने पूरे दुपट्टा में बना दिए हैं. एंड उसके बाद इसको क्या करना है कि शेडिंग कर ली, और जब ड्राई हो गया तो विल मेक स्टेम विद ए ब्राउन कलर. अभी हम ब्राउन कलर से जब स्टेम बना लेंगे इनकी, उसके बाद आई विल आउटलाइन विद ए ब्लैक कलर. एंड फाइनली जो ग्लिटर होता है, जो फैब्रिक ग्लिटर आता है, उससे मैं इसको हाईलाइट करूँगी टू गिव द फाइनल लुक. एंड दैट्स इट. दिस इज़ वेरी ईजी आई गेस. और अगर जैसे किसी से अगर नहीं बन पा रहा है बेस, वो फ्री हैंड पेंटिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो मतलब पहले ड्रॉ भी कर सकते हो आप येलो स्केच पेन से, सो दैट आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा. अगर आपसे आपको लग रहा है कि नहीं शायद आप गलत कर दोगे, तो पहले आप ड्रॉ कर लो येलो स्केच पेन से, वो तो धुलने में निकल जाएगा. अभी ये मैंने स्टेम बना ली, उसके बाद ये स्टेम जब सूख जाएगी मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन करूँगी पूरा, मतलब ब्लैक नॉर्मल फैब्रिक पेन से. एंड उसके बाद फाइनली जो ग्लिटर होता है फैब्रिक ग्लिटर से, मैं इसको इसकी स्टेम्स को और इसके आगे जो ये इसकी स्टेम जो आगे को निकली हुई है उनमें भी हाईलाइट कर दूंगी गोल्डन से. इट्स गिविंग वेरी वेरी नाइस लुक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.